थोड़ा लेकर आऊं? हाँ बेटा, सैंडविचेस भी तो ले आओ। नहीं, एक मिनट रुक जाओ मीरा। चाचा जान, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी। हाँ कहो बेटा, क्या बात? आप ये घर बेच के ना मुझे मेरा हिस्सा दे देना। मैंने नया कारोबार शुरू करना है तो उसमें इन्वेस्ट करूंगा। अरे बेटा, ये घर तुम्हारा है, तुम और मेरा भी इसके असल हकदार हो, तो फिर हिस्सा कैसा? जानता हूं, तभी तो अपना हिस्सा मांग रहा। आप फौरन से ये सेल करके मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए ताकि मैं वापस जाके अपना कारोबार शुरू कर सकूं। तो अब समझ में आया कि इतने सालों बाद तुम अपना हिस्सा लेने आई हो यहां, और जो मीरू से तुमने वादे किए थे उनका क्या? कौन सा वादा? मैंने तो कोई वादा नहीं किया था किसी से। बेटा तुमने ना सही, लेकिन मैंने भाई साहब से वादा किया कि एक दिन मीरब और जुनेद एक होंगे। अब तुम आए हो तो शादी करके अपनी अमानत साथ ले जाओ। एक्सक्यूज मी चचा जान, कौन सी अमानत और कौन सा वादा? मैं यहां मीरब से शादी करने नहीं आया हूं। मुझे मेरा हिस्सा दीजिए ताकि मैं वापस जाके अपना कारोबार शुरू कर सकूं। तुम्हें एहसास भी है जुनेद कि इतने साल मीरू ने अकेले तुम्हारे इंतजार में गुजार दिए सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन तुम आओगे और उसको अपनाओगे? ये तो मैंने कहा था उसको कि मेरे लिए इंतजार करे वो। मैंने तो मीरब से कभी शादी का सोचा भी नहीं, पर साइज देखा है आपने अपनी बेटी का। कौन करेगा इससे शादी? कोई अंधा भी नहीं करेगा। मामा आप मुझ पे डाल रहे, मैं क्यों करूं उससे शादी? वॉश, क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखिए चचा जान, आपको मेरी बातें सब बकवास ही लगेंगी, लेकिन सच तो ये कि मीरब कभी मेरी चॉइस ही नहीं थी। कहां मैं और कहां ये? मैं जानती थी ये जुनैद हमारी मीरू को दर्द जरूर देगा, उसके मोटे होने की वजह से उसको कभी नहीं अपनाएगा। जाओ जाके मीरब को देखो, मैं देखता हूं इसको, पागल हो गया ये लड़का। जिस लड़की को मोटी कह के ठुकराया था आज वो करोड़ों की मालकिन बन बैठी, और मैं इतने साल दुबई में धक्के खाने के बावजूद एक ढंग की नौकरी नहीं तलाश कर सका। बेबी, नहीं, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दी, बस अब जल्दी से काम शुरू करो, मैं वापस आ रहा हूं। ओके, लव यू टू, बाय।